सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। बीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी बोलना सीखी। बीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी, हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। मेयर अवनीत कौर के शपथ के 100 दिन पूरे, जेबीएम कंपनी के काम से दिखी संतुष्ट। करनाल लोकसभा से जेजेपी और आप गठबंधन की ओर से कृष्ण अग्रवाल चुनावी मैदान में, आज भरा पर्चा। फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग में खड़ी वैन में लगी आग, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। आसाराम और नारायण साई केस में अहम गवाह ने सनोली थाना में दर्ज करवाई शिकायत। गवाह ने लगाए पुलिस और आसाराम के गुर्गों पर आरोप। सर्व संगठन सेवा संस्थान द्वारा की गई बैठक में मेयर के 100 दिन के काम का लिया गया संज्ञान। एडवांस स्पाइन एंड ज्वाइंट न्यूट्रो केयर क्लिनिक द्वारा देवी मंदिर में लगाया गया कैंप। श्रीवत धाम मंदिर में आयोजित धर्म संसद में शहर को स्वच्छ रखने के लिए सभी वार्डो के पार्षदों ने मेयर सहित ली शपथ। आइबिल पब्लिक स्कूल में हुई अंताक्षरी प्रतियोगिता, चारों सदनों की टीमों ने लिया भाग। गीता विद्या मंदिर स्कूल में अर्थ डे के अवसर पर हुआ प्रार्थना सभा का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत द नरल और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। मेयर की शपथ के 100 दिन पूरे होने के बाद मेयर द्वारा आज जेबीएम कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में मेयर द्वारा सभी साधनों की जाँच की गयी। मेयर की शपथ के 100 दिन के बाद शहर में सफाई व्यवस्था में हालांकि पहले से काफी सुधार है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से शहर साफ नहीं हो पाया है। इसी को लेकर आज मेयर और उनके पिता भूपेंद्र सिंह ने सेक्टर 13-17 हेलीपैड के पास सभी कर्मचारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में मेयर अवनीत कौर ने कर्मचारी द्वारा जारी की गई लिस्ट की जाँच की और कहा कि पानीपत में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उन्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो वो उन्हें बताए, ताकि पानीपत सफाई के मामले में प्रदेश में नंबर वन हो सके। आज हमने पूरी जेबीएम की टीम को इकट्ठा किया है और ये जानने के लिए कि इनके पास जो इन्होंने हमें रिकॉर्ड में दिखा रखा है कि वाकई में ही इतने इनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली है, वाकई में इनके पास इतनी ऐपे हैं, इतनी रिक्शा है और कितने सुपरवाइजर्स हैं और कितने वर्कर्स हैं। इस चीज के लिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने आज सब इन सबको इकट्ठा किया है, ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाए और पूरी पब्लिक तक इनकी लिस्ट जाए कि सुपरवाइजर्स को किस वार्ड का कौन सा सुपरवाइजर है और उसका क्या फोन नंबर है। 47 है और 45 जो है टाटा सुपीरियो है, और जो रिक्शा है ये इनके पास 90 है। इन्होंने शो कर रखा है कि 116 रिक्शा है, और मिनी ट्रैक्टर और बिग ट्रैक्टर को मिला के इनके पास 31 है, और इसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि इनके पास टोटल 28 है, और बुग्गी एक ही है और दो डोजर है और चार जेसीबी है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी और काफी टाइम से हम इनको कह रहे थे, तो आज इनका बना तो हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए थे। वहीं पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह और मेयर जेबीएम के काम से भी काफी खुश नजर आए। आज जो मेन लक्ष्य था, एक तो हमारे 100 दिन पूरे हो गए। 100 दिन पूरे होने के बाद हमने एक तो इनके व्हीकल्स भी चेक करने थे। आज हमने इनके व्हीकल्स चेक किए, जो इन्होंने हमारे को लिस्ट दे रखी थी, हमारे को ये था कि उस व्हीकलों के अकॉर्डिंग सही नहीं उतरते थे, तो हमने आज इनके व्हीकल चेक किए। व्हीकल इनके जो लिस्ट दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग है, और मेन जो 100 दिन के अंदर इन वर्करों ने जो हमारा साथ दिया, जो शहर के अंदर इन्होंने पॉइंट्स हटाए, 200 पॉइंट्स के करीब इन्होंने हटाए, और शहर के अंदर जो सफाई चल रही है उसका श्रेय, क्योंकि जो काम अच्छा करता है ना उसको अगर पीठ थपथपा दी जाए तो वो आगे और अच्छा करेगा। चाहे अच्छा काम करना नहीं हुआ या उसका प्रयास भी किया ना, ये भी एक बहुत बड़ी सफलता की बात है कि पानीपत के अंदर जो काम आज तक नहीं हुआ वो काम इन 100 दिनों के अंदर शुरुआत तो हुई, और अभी तो हमारे पास पूरा आसमान बाकी है मापने के लिए, अभी तो हमारे पास टाइम पड़ा है। और हम इन वर्करों को, हम नहीं चाहते कि 100 दिन का श्रेय हमारे को मिले, हम चाहते हैं कि हमारे को ना मिले, ये 100 दिन का श्रेय पानीपत की पब्लिक को और इन वर्करों को, जिन्होंने घर घर से कूड़ा उठाया और जिन्होंने रोडों से कूड़ा उठाया, जिन्होंने पॉइंट खत्म किए। मैं सारा श्रेय इन वर्करों को और अपने पानीपत को देता हूँ और सभी विधायकों को देता हूँ कि जिन्होंने इस काम के लिए हमारी सपोर्ट करी। करनाल लोकसभा में जेजेपी और आप पार्टी के गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे कृष्ण अग्रवाल आज नामांकन भरने पहुंचे। इस दौरान वो मीडिया से भी रूबरू हुए। करनाल लोकसभा से जेजेपी और आम आदमी पार्टी गठबंधन की ओर से पानीपत निवासी कृष्ण अग्रवाल मैदान में उतरे हैं। उन्होंने नामांकन भरने के लिए पानीपत से करनाल जाते समय मीडिया से मुलाकात की और कहा कि दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश में विकास करवाया जाएगा। उन्होंने मीडिया के सामने वायदा किया कि अगर जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और सांसद बनाया तो करनाल और पानीपत को दो हिस्सों में बांटने वाली जीटी रोड के दोनों टोल को हटाया जाएगा, और कहा कि
वो करनाल की सीट जीतकर जेजेपी और आम आदमी पार्टी गठबंधन की झोली में डालेंगे। उनके साथ दिल्ली राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता भी मौजूद रहे। आज हम पार्टी के आदेश पर आज नामांकन पत्र दाखिल करें, करनाल में जा रहे हैं और परमपिता परमात्मा हमारे साथ है। हमें पूरा विश्वास है अपने जेजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पर। वो इतने मजबूत हैं जमीनी लेवल पर, बूथ लेवल पर, कि पानीपत और करनाल दुनिया की कोई ताकत इनके सामने नहीं लड़ सकती। 100% ये कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल होगी और एक एक कार्यकर्ता करनाल से सांसद बन के आएगा। मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा तो हमारे जो लोकल मुद्दा है पानीपत करनाल के बीच, टोल पर लागत होगी। ये जो दो टोल एक आपके साथ पीछे लगा हुआ है और एक करनाल गोरोंडा के पास लगा हुआ है, दोनों ने पानीपत और करनाल को ऐसे बना दिया जैसे भारत और पाकिस्तान। लोगों की आवाज़ भी है, लोग चाहते भी और दुखी भी हैं। सबसे पहला बात यही रहेगी, अगर हमें मौका मिलता है तो हम सबसे पहले यही आवाज़ उठाएंगे संसद में कि इन दोनों टोलों को यहाँ से ख़त्म किया जाए और जो एक मिनिमम दूरी है उसके हिसाब से इनको सेट किया जाए या इनको बिल्कुल ही यहाँ से हटा दिया जाए। जहाँ तक वो पानीपत और करनाल के बीच लगाने की बात है, ये लोकसभा क्षेत्र का एरिया आता है, आप इसको करनाल के बाद लेके जाइए, कुरुक्षेत्र के और करनाल के बीच में लगा दीजिए जैसे पहले लगा हुआ था। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर यहाँ से इसको हटाइए। पार्टी चाहे राष्ट्रीय है, चाहे स्टेट है, चाहे वो इंटरनेशनल है, जब तक उसका कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा तब तक पार्टी कुछ नहीं कर सकती। जहाँ तक पार्टी की मजबूती की बात है, आम आदमी पार्टी और जेजेपी दोनों का कार्यकर्ता इतना मजबूत कार्यकर्ता है कि अपनी जान न्यौछावर कर सकता है अपनी पार्टी के लिए, इतनी हिम्मत रखता है। जिस पार्टी के पास ऐसे वर्कर हैं, जिसके पास ऐसे कार्यकर्ता हैं, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी उसके सामने बड़ी पार्टी नहीं। गुप्ता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की जनता लोकसभा में इनसे हिसाब लेगी। हरियाणा को जाति और धर्म के नाम पे बांटने में लगे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमने आम आदमी पार्टी और जेजेपी ने जो मिलकर उम्मीदवार उतारे हैं, 10 में से 8 उम्मीदवार हमारे 40 साल से नीचे की उम्र के हैं, सभी शिक्षित हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, और जो 2 उम्मीदवार हमारे सीनियर हैं उनमें से एक रिटायर्ड IPS अधिकारी है, DGP है, और एक मिस्टर महमूद जो हमने गुड़गांव लोकसभा से उतारे हैं वो IITN है, IIM से ग्रेजुएट रहे हैं, उस ग्रेजुएशन उन्होंने की है, और उनको एक ईयर पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड हरियाणा का मिल चुका है। हरियाणा की इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने बहुत भारी काम किया है और हरियाणा के विकास के लिए हम सब मिलकर करनाल से शुरुआत करने के लिए आए हैं। आज हम बाकी अन्य 6 लोकसभा पे नॉमिनेशन आज भर रहे हैं, 4 पे कल भरेंगे और पूरे हरियाणा को बदल के रहे। वहीं जेजेपी और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि उनके उम्मीदवार मजबूत युवा हैं, इसीलिए उन्हें सभी युवाओं का साथ मिल रहा है। देखो, आपने बताया है कि हमारी पार्टी आप ठीक कह रहे पहली बार, लेकिन हम इतने मजबूत हैं आम आदमी के कार्यकर्ता और जेजेपी के कार्यकर्ता, क्योंकि इनका अभी नया नया खून है और नई नई पार्टी बनी है, इतना उत्साह है इनके अंदर कि हम इनको पहले ही दांव में चित कर देंगे। और ये जो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं इनको 10 बजे इनको मजबूर कर देंगे कि अपने घर वापस लौट जाए। तो हमारे कार्यकर्ता में पूरी मजबूती है और मजबूती से जवान का, किसान का, बेरोजगार का मुद्दा हमारे बीच में है। पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी के कार्यकर्ता आज करनाल में किशनपाल अग्रवाल का नॉमिनेशन करवाने जा रहे हैं, उसके बाद मीटिंग करके सभी कार्यकर्ताओं के दोनों एक जुट लगाई जाएगी और सभी जोन प्रभारी अपने अपने जोन में दोनों पर पार्टी के कार्यकर्ता को साथ लेकर चुनाव प्रचार करेंगे। संजय चौक के पास फ्लाईओवर के नीचे खड़ी एक वैन में अचानक आग लग गई। इस वैन में LNT का पैसा लेकर जाया जा रहा था। गनीमत ये रही कि इस आग में कोई जानहानि नहीं हुई। आज प्रशांत एंटरप्राइजेज द्वारा LNT का पैसा एक वैन में IDBI बैंक में लेकर जाया जा रहा था, लेकिन जब ड्राइवर बैंक में पैसा जमा करवा कर आया तो उसने वैन को संजय चौक पर फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग में खड़ी कर दी। थोड़ी देर बाद वैन में अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। इस आग में कुछ जरूरी कागजात भी जल गए। गनीमत रही कि इसमें कोई जान हानि नहीं हुई। आग लगने से वहां जाम की स्थिति भी बन गई। वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तब तक वैन पूरी तरह से जल चुकी थी। फिलहाल आग कैसे लगी इसका पता नहीं लग पाया है। ये गाड़ी में जो कैश लेके आई थी, आग लगी है। हम सूचना
सूचना पाकर मौके पर आए तो पता क्या भी प्रशांत सिकोटी की गाड़ी थी और एक ड्राइवर लेके आ रहा कैश एल एन टी से 40 लाख कैश बैंक में जमा कराने के बाद उसने गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर दिया था और गाड़ी भी बंद थी। अचानक आग लगी, किसी जानी नुकसान नहीं हुआ ना कोई कैश का नुकसान हुआ, गाड़ी का नुकसान हुआ। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये जी? एल एन टी टोल प्लाजा से कैश लेके बैंक में पैसे जमा कराए थे। आई डी बी आई किन की वैन थी? प्रशांत सिकोटी। ये एल एन टी का पैसा जमा कराने एल एन टी का पैसा जमा कराना, बाकी दोनों ठीक है जी? कुछ ठीक है, गाड़ी के नुकसान हो। आसाराम केस के मुख्य गवाह महेंद्र चावला ने आरोप लगाया है कि उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने घर का ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की है। आसाराम और उसके बेटे नारायण साई के खिलाफ अहम केस के गवाह पानीपत के सनोली निवासी महेंद्र चावला ने सनोली थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी सिक्योरिटी में तैनात रही हवलदार ने देर शाम उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा डालकर कमरे का ताला तोड़ा। चावला ने कहा कि जिस समय पुलिसकर्मी ने ताला तोड़ा वो उस समय घर पर मौजूद नहीं था। घर पहुंचने पर ताला टूटा हुआ दिखाई दिया और सीसीटीवी फुटेज देखा तो पुनीत नामक पुलिसकर्मी नजर आया। महेंद्र चावला ने आरोप लगाते हुए कहा कि आसाराम के गुर्गे व पानीपत पुलिस उन्हें परेशान करने में लगी हुई है ताकि सूरत में चल रहे आसाराम और नारायण साई केस की सुनवाई को रोका जा सके। चावला ने कहा कि स्थानीय पुलिस के अधिकारियों द्वारा उनकी सुरक्षा में उम्र दराज सुरक्षा कर्मी लगाए जाते हैं जिनसे उनकी सुरक्षा में घात लगाई जा सकती है। महेंद्र चावला की शिकायत पर सनोली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अभी सूरत में आसाराम केस नारायण साई केस का फैसला आने वाला है और फैसले से पहले ये मेरे ऊपर पुलिस का कह लो, हरियाणा पुलिस का दबाव है, पानीपत पुलिस का दबाव है। पानीपत पुलिस के जो कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, एसएचओ हैं सूरज भान, डीएसपी सतीश वत्स है, एसपी सुमित कुमार है, इन लोगों को मैं बार बार बोल चुका हूं कि भाई बूढ़े कर्मचारी मत लगाओ, बीमार कर्मचारी मत लगाओ, नशेड़ी कर्मचारी मत लगाओ, शराबी मत लगाओ, भगोड़े कर्मचारी मत लगाओ। लेकिन थाना मुंशी, एसएचओ, डीएसपी, एसपी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो पुनीत हवलदार पहले तो कोर्ट में मुझे छोड़ के भाग गया, जिसकी हमने 100 नंबर पे सूचना दी तो फिर दूसरा बदला गया उसकी जगह। फिर शाम को मेरे घर पे आया, गेट से कूदा ऊपर, इस पे कैमरे पे पर्दा डाला, फिर कमरे का ताला तोड़ा, फिर अंदर से सामान उठाया और वो फिर गेट कूद के वापस चला गया। क्या एक कैमरे पे उसने पर्दा डाला, बाकी 3-4 कैमरे और थे, सभी कैमरों में उसकी तस्वीर आई हुई है, फोटो और वीडियो बनी हुई है। तो ये पानीपत पुलिस की आसाराम के गुंडों से मिलके मेरे ऊपर एक मानसिक दबाव बनाने का प्रयास है, क्योंकि सूरत में कल फैसला आना था, सूरत केस का, वो नहीं आया। सूरत के फैसले के बाद नारायण साई को रेगुलर पानीपत की कोर्ट में आना होगा। तो पानीपत में जो आसाराम के चेले चमचे हैं, जो आसाराम के गुंडे हैं, गुर्गे हैं और पानीपत पुलिस के कुछ अधिकारी, वो चाहते हैं कि मैं आसाराम से समझौता करूं, नारायण साई से समझौता करूं ताकि नारायण को राहत मिले। इसको हरियाणा पुलिस की ना केवल लापरवाही कहा जाएगा बल्कि यह तो इंटेंशनल है, सोची समझी साजिश है पानीपत पुलिस के अधिकारियों की। वही थाना प्रभारी सूरज भार ने कहा कि जांच के बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महेंद्र चावला ने कल रात करीब 10 बजे मेरे को एक कंप्लेंट दी थी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि हेड कांस्टेबल पुनीत जो दिन के समय में उसकी सुरक्षा में तैनात था और शाम को वहाँ से उसका ट्रांसफ़र कर दिया, वो दिन में किसी वजह से कहीं चला गया था, जिस वजह से उसकी गैर हाजिरी लिख दी है मैंने और उसकी जगह जैसे ही दूसरा हेड कांस्टेबल तैनात किया, ड्यूटी पर भेजा, तो शाम को उस जैसे हाजिर आया तो हाजिर आने के बाद उस अपना सामान लेने के लिए वो चावला के घर गया था। चावला का रूम लॉक होने की वजह से उसने अपना रूम खोल के अपना बैग निकाल लिया था। उस मेरी जांच मैंने उससे पूछताछ करने में बताया कि उसने मेरी दुआई थी जिनको मेरा लेना ज़रूरी था, इसलिए उसने अपना ताला खोल के बैग निकाला। एक गार्ड का ताला उसने खोलना बताया मेरे को, लेकिन मेरे तो मैं गया नहीं हूँ, वो एएसआई अपना श्री भगवान जी इसकी जांच कर रहे हैं, जांच में जो भी सामने आएगा। वैसे पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध, एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डायगन, ऑथोराइज्ड डीलर,
ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल, अपो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543 जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 a.m. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज डॉक्टर सुनील कुमार सोफर सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। सर्व संगठन सेवा संस्थान द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेयर के 100 दिन के काम का संज्ञान लिया गया। संगठन के मुख्य संरक्षक हरिओम तायल ने कहा कि शहर में कुछ सुधार है व आचार संहिता की वजह से पूरे 100 दिन मेयर को नहीं मिल पाए और तय किया कि ये अवधि 150 दिन की जाए ताकि मेयर अपना कार्य पूरा कर सके। आज हमारी सर्व संगठन सेवा संस्थान की तरफ से हमने एक आकलन किया कि क्या हमें 100 दिनों के अंदर, जैसे हम उम्मीद करते थे कि भाई सफाई होगी शहर की और यहाँ की जो मेयर अवनीत कौर हैं उन्होंने ये वायदा किया था कि हम सफाई व्यवस्था में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे, 100 दिन के अंदर हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। उसके अनुरूप बहुत ज़्यादा संघर्ष भी हुआ, बहुत अच्छा काम भी हुआ, लेकिन कुछ काम जो है अभी होने बहुत ज़रूरी हैं, वो भी उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें जरूर जल्दी से जल्दी उसके भी परिणाम आएंगे। तो ये इलेक्शन का टाइम है, इसमें हम ज़्यादा अभी जो है कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते क्योंकि कई चीज़ें सरकार भी अब उसको बीच में करने के लिए असमर्थ है। तो हम देखते हैं कि जो इलेक्शन होने के बाद 23 मई के बाद फिर दोबारा बैठ करके इसके ऊपर। संगठन के मुख्य संयोजक सुरेश काबरा ने बताया कि अभी तक जो मेयर द्वारा कार्य किए गए वो कुछ हद तक संतोषजनक प्रयास के रूप में है, वो पहले से सुधार है, लेकिन अपील की कि आने वाले कुछ दिनों में आचार संहिता के बाद शहर को सफाई के प्रति एक मास्टर प्लान सार्वजनिक करे। तो मेयर के चुनाव से पहले उन्होंने हमारे से लिखित में आश्वासन 100 दिन के प्रोग्राम का कहा था, उसमें हमें आज 100 दिन उनके पूरे हो गए। उसके ऊपर एक प्रेस वार्ता रखी गई है जिसमें हम लोग इस चीज का पूरा सभी लोगों से बातचीत करके निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि शहर में कुछ तो सुधार सफाई के प्रति लोगों में नजर आ रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि किसी भी चीज के लिए समय लगता है। इतने बरसों पुरानी जो गंदगी का सिस्टम जो चला आ रहा है, जो लोगों को भी जन सहभागिता ज्यादा जरूरी है, जब तक लोग नहीं जागेंगे तब तक काम नहीं होगा। लेकिन जो JVM कंपनी या जो भी संबंधित कंपनी को ठेका दिया गया है, उनके नाम, उनके एरिया वाइज कर्मचारियों की फोन नंबर, उनके कर्मचारियों के टेम्पो के व्हीकल नंबर, टेम्पो के ड्राइवर के नंबर एरिया वाइज उनके बोर्ड लगा करके दे दिए जाएं, तो मैं समझता हूं उससे थोड़ा सा सुधार आएगा। आम जनता के, आम नागरिक के गली मोहल्ले में अगर व्हीकल नहीं पहुंचता है तो वो फोन करके उस व्हीकल को बुला सकता है। थोड़ा समय, क्योंकि अभी 23 मई तक तो रिजल्ट ही आएगा, तब तक भी हाथ बंधे हुए, कम से कम 10 जून तक एक्सपेक्टेशन चाहते हैं कि 15 दिन का जो लास्ट में काम करने का, अगर 15 दिन में भी ये काम नहीं करते फिर संगठन के सारे सदस्य, सारे 200 संगठन मिल करके फिर बीड़ा उठाएंगे, क्योंकि काम ये एक दिन में संभल होने वाला नहीं है, लेकिन इनको एजेंडा रखना पड़ेगा। बैठक में संगठन के संरक्षक हरिओम तायल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स चेयरमैन विनोद खंडेलवाल, मुख्य संयोजक सुरेश काबरा, शहरी संयोजक ललित गोयल, ग्रामीण संयोजक कुलवीर खरब, जागरूकता विंग संयोजक विवेक कत्याल व जंतु कल्याण बोर्ड वेणुगोपाल, विकास गोयल, अमरनाथ गुप्ता, सुभाष आर्य के अलावा कई लोग मौजूद रहे। एडवांस स्पाइन एंड ज्वाइंट न्यूट्री केयर क्लिनिक द्वारा जोड़ों के दर्द के लिए देवी मंदिर में कैंप लगाया गया। कैंप में कई मरीजों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। एडवांस स्पाइन एंड ज्वाइंट न्यूट्री केयर क्लिनिक द्वारा जोड़ों के दर्द के लिए पानीपत के देवी मंदिर में कैंप लगाया गया जिसमें मरीजों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। क्लिनिक के संचालक डॉक्टर अक्षांत गर्ग ने कहा कि इस कैंप में कई मरीजों ने उन्हें अपनी बीमारी से अवगत करवाया जिसके बाद उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जाँच की। जो कि अभी नया खुला है, उसके वक्त में बंद कर दिया गया है।
आगे और भी कैंप लगेंगे सर आपके? जी आगे अब नेक्स्ट मंथ लगेंगे, इस मंथ और नहीं लगेंगे, जैसे ही होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे आज कैंप लगा हुआ देवी मंदिर में कार पैकिंग का, तो ये हर हफ्ते लगता है, अभी नेक्स्ट मंथ लगेगा हमारे यहाँ। इसमें जितना भी जॉइंट पेन होता है उसके लिए देते हैं कार पैकिंग। इसमें मैम क्या क्या इलाज किया जाता है? कोई आपकी डिस्क हो जो अपनी जगह से मिली हुई हो, डिस्क हो गया, स्पाइन हो गया, नहीं शोल्डर, कोई भी पेन हो उसका इंस्टेंट रिजल्ट होता है हमारे। श्री अवध धाम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के अवसर पर सभी वार्डों के पार्षदों ने स्वच्छता अभियान के तहत शपथ ग्रहण की। इस दौरान मेयर अवनीत कौर भी मौजूद रहे। श्री अवध धाम मंदिर सेवा समिति के तत्वधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के अवसर पर दाऊजी महाराज की अध्यक्षता में नगर के 26 वार्डों के 26 पार्षद अवध धाम मंदिर में कथा श्रवण करने के लिए एवं श्री अवध धाम मंदिर के धर्म संसद में आयोजित स्वच्छता अभियान के तहत शपथ ग्रहण करने के लिए पधारे। सभी पार्षदों ने महापौर अवनीत कौर के नेतृत्व में अवध धाम मंदिर के सभागार में आयोजित धर्म संसद के अंदर नगर को स्वच्छ स्वस्थ बनाने के लिए शपथ ली। शपथ में सभी पार्षदों ने एक स्वर में नगर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए संकल्प लिया। संकल्प में पार्षदों ने ये भी दोहराया कि हम शपथ लेते हैं कि इस नगर को हम भारत के उन 10 नगरों के अंदर स्थापित करेंगे जो स्वच्छता के लिए भारत के मानचित्र में स्थापित हैं। इस अवसर पर महापौर अवनीत कौर ने सभी पार्षदों के साथ मिलकर दाऊजी महाराज के सानिध्य में कथा सिमरन किया एवं स्वच्छता के लिए शपथ ग्रहण की। मैं अपने दैनिक जीवन के सप्ताह में जितना भी समय हो सकेगा उतना स्वच्छता के लिए होगा। मैं स्वच्छता सर्वे में पानीपत नगर को प्रथम प्रदर्शन हर संभव प्रयास करूंगा। आईबीएल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में चारों सदनों की टीम ने हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थियों में हुई। मंच संचालन 10 कक्षा की छात्राओं ने किया। मुख्य अतिथि की भूमिका सुनीता भटला ने निभाई और निर्णायक मंडल में सुनीता मुंजाल और सविता रही। चारों ओर से तालियों की गड़गड़ाहट वहां की वातावरण को संगीत में बनाने में चार चांद लगा रही थी। वहीं प्रधानाचार्य गीता राठी ने कहा कि इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों में छिपे हुए गुण उभर कर आते हैं, उनकी हिचकिचाहट स्कूल के मंच से ही दूर होती है। प्रतियोगिता में नेहरू सदन प्रथम और टैगोर सदन द्वितीय रहा। दोनों का मुकाबला जबरदस्त रहा और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आज आईबीएल पब्लिक स्कूल में इंटर हाउस अंताक्षरी कॉम्पिटिशन था जिसमें हमारे चारों ही हाउसेस की टीम तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड थी। जो कैटेगरीज थी वो थी सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी। अलग अलग राउंड इन तीनों कैटेगरीज के लिए थे। हम लोगों का मानना ये है कि बच्चों का ये प्रोग्राम सिर्फ टैलेंट ही बाहर नहीं लाते हैं, आज के टाइम पर अगर उनका हॉबी, उनका टैलेंट उनका प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाए तो ये बहुत बड़े डिफरेंसेस को पैदा करता है और वो बच्चे अपनी लाइफ में अर्निंग के साथ साथ एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी फील करते हैं। तो ये मंच इसी तरह की प्रतिभाओं को निकालना और उनको ये समझाना कि आप इसको भी एज ए करियर ले सकते हैं, इसी एक प्रयास के तहत इस तरह के फंक्शन कराए जाते हैं स्कूल में, जिसकी एक कड़ी थी और बच्चों ने बहुत मेलोडियस गाया। देख के लगा कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं और ये आगे जाके ज़रूर अपना इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में अर्थ डे के अवसर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस मौके पर सभी बच्चों ने नृत्य कर सभी को संदेश दिया। विद्यालय में अर्थ डे को मनाने का उद्देश्य विद्यार्थियों को धरती को हरा भरा रखने व पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश देना था। रंगारंग कार्यक्रमों में सर्वप्रथम मुस्कान द्वारा अर्थ डे पर आधारित प्रश्न पूछे गए और सभी का ज्ञान वर्धन किया गया। इस मौके पर गीत की प्रस्तुति दी गई और सभी को इस दिन के महत्व से अवगत करवाया गया। स्कूलों के बच्चों ने सामूहिक नृत्य कर सभी को वृक्षों को न काटने का संदेश दिया। वहीं विद्यार्थियों ने विद्यालय के प्रांगण में पौधे लगाए और उनकी देखभाल कर धरती को हरा भरा रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन SP बंसल ने कहा कि हरे भरे पौधे जहां धरती की शोभा को बढ़ाते हैं वहीं वातावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देते हैं। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंत रोड पानीपत व GT रोड संभाल का। लोड शिवा एंटरप्राइजेज,
अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट पानीपत।